यूपी के आगरा में शादी के दौरान रसगुल्ला नहीं मिलने पर चाकूबाजी की घटना सुनकर लोग हैरान रह गए। यहां शादी समारोह के दौरान रसगुल्ले को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। इस घटना के बाद बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गई। हंगामे और मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर तनाव को देखते हुए वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बुधवार देर रात आगरा में एतमादपुर कस्बे के विनायक भवन में खदौली के एक व्यापारी के दो बेटों की शादी होनी थी। उन्होंने बताया कि निकाह से पहले ही रात के खाने के दौरान मेहमानों में रसगुल्ले को लेकर कुछ विवाद हो गया। जब बारात पहुंच गई तो लड़की पक्ष के लोगों ने बारात का स्वागत किया। ऐसा बताया जा रहा है कि बारात अंदर गई तो वह रसगुल्ले दिए जा रहे थे। एक बाराती ने एक से ज्यादा रसगुल्ले मांगे तो काउंटर पर खड़े युवक ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि रसगुल्लों के लिए चाकू निकल आए। इसके बाद शादी समारोह में जमकर चाकूबाजी हुई, कांटे चले और कुर्सियां फेंक कर मारी जाने लगी। देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया। इस घटना में बारात में आए 20 वर्षीय सनी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि शाहरुख घायल हो गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।